मैं पारसमल प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन आज आपको टैरी पाइल के अंतर्गत वार्प पाइल कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको कुछ मैं बतलाता हूँ। वार्प पाइल ओनली वन काइंड ऑफ द वेफ्ट इज रिक्वायर्ड। वार्प पाइल में क्या है, ओनली वन सीरीज ऑफ द वेफ्ट इज रिक्वायर्ड बट एटलीस्ट टू सीरीज ऑफ द वार्प थ्रेड एंड सेपरेटली बीम्ड एंड टेंशन आर एसेंशियल है। अर्थात इसमें कम से कम दो सीरीज वार्प थ्रेड ही होगी जिसको ग्राउंड एंड और पाइल एंड कहेंगे और सेपरेटली बीम होंगे। ग्राउंड बीम अलग होगा और पाइल बीम अलग होगा और दोनों का टेंशन भी अलग अलग अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। ग्राउंड एंड क्या करेंगे, ग्राउंड बीम बनाएंगे जिसमें सामान्यतः प्लेन व्यू काम में लेते हैं और पाइल एंड क्या होगा उसके ऊपर लूप बनाएंगे। टू प्रोड्यूस द पाइल ए वायर इज इंसर्टेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द वार्प शेड वार्प इनटू ए शेड फॉर्मली ओनली बाय द पाइल एंड, जो कि पाइल एंड के द्वारा शेड बनाई जाएगी उसमें अपन क्या करेंगे एक वायर इंसर्ट कर देंगे। द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ द वायर डिटरमाइंस द हाइट ऑफ द पाइल, जो वायर की हाइट होगी उसी के अनुसार पाइल की हाइट का निर्धारण होगा। आफ्टर इंसर्शन ऑफ नंबर ऑफ द पिक्स वायर विड्रॉल लिविंग द लूप, बाद में उस वायर को उसमें से निकाल देंगे। द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज ओनली सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द शॉर्ट पाइल, लॉन्ग पाइल इज प्रोड्यूस ऑन वायर विद द रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन। लंबी पाइल बनानी है तो आपको रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन वाला वायर काम में लेना पड़ेगा और जो वायर की डेप्थ होगी वो 1.5 mm टू 25 mm की होगी। टेरी पाइल का उपयोग अप्रैल वियर कर्टेनिंग्स और वेलवेट बनाने में किया जाएगा। द पाइल वार्प ड्यूरिंग वीविंग टेक्स अप मच मोर रैपिडली देन द ग्राउंड वार्प, द डिफरेंस इन द लेंथ वेरिंग अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द वायर एंड फ्रिक्वेंसी इन विच द पाइल थ्रेड्स आर रेस्ड ओवर वायर। और इसके बनाने के तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है ऑल ओवर या कंटिन्यूस पाइल इफेक्ट, सेकंड है फिगर डिफेक्ट और थर्ड है फिगर कंस्ट्रक्शन जिसमें अपन पाइल का ऑर्नामेंटेशन करेंगे और इसमें डिफरेंट कलर के थ्रेड काम में लेंगे। तो पहला मेथड है अपना ऑल ओवर या कंटिन्यूस मेथड। इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसमें अपन यू शेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यू शेप बनाने के लिए उसमें क्या होगा, वार्पिंग अरेंजमेंट होगा इसका, टू ग्राउंड वन पाइल और वेफ्टिंग अरेंजमेंट होगा टू पाइल टू वन वायर। तो इसमें EPR कितने हो गए 6 और PPR भी 6 लेंगे और इसमें ग्राउंड भी होगी वो प्लेन होगी वन अप वन डाउन। तो मैंने सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर 6x6 की मार्किंग करेंगे जैसे मैंने इसमें की है 1 2 3 4 5 6 और ये 6x6 का मैंने रिपीट साइज बना दिया। फिर मैंने वार्पिंग अरेंजमेंट लिख दिया टू ग्राउंड वन पैल और वेफ्टिंग अरेंजमेंट लिख दिया टू पाइल वन वायर। जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं मैंने इसमें सबसे पहले की क्या किया, प्लेन व्यू फिलअप कर दी ग्राउंड एंड और पाइल पिक में प्लेन व्यू ही डाल दी, देख रहे हैं आप इसमें। फिर क्या किया, वायर को अप किया पाइल एंड के ऊपर, ये वायर है लिखा हुआ इसको मैंने अप किया जो कि ग्रीन कलर से इंडिकेट किया जा रहा है और पाइल एंड के ऊपर वायर को अप कर दिया। अब इसमें क्या किया, वन मोर इंटरलेसमेंट इज डन विद द पाइल पिक और पाइल एंड के साथ, वायर के साथ में एक इसको भी अप कर दिया जो कि ये एक तिरछी रेखा के द्वारा इस ब्लॉक में बताया जा रहा है। इसको आप फिर एक साइड में लूप बनाना है
तो ये सेम वीव इसमें भी यही होगी, एक जैसी लूप बनाना है तो इसमें ऐसी होगी। फिर इसका मैंने बनाया क्रॉस सेक्शन, ये मैंने लिखा है क्रॉस सेक्शन वेब पेज बना रहे, टू पाई लेंड, ये टू पाई लेंड, वायर हो गया, ये वायर हो गया, ये टू पाई टू पिक हो गए और ये वायर हो गया। इस तरह से इसको अपन लिख रहे हैं। और पाइल जिससे बनती है इसको पाइल लैंड कहते हैं, इसका मैंने बनाया क्रॉस सेक्शन। इसमें देख रहे हैं आप, तो एक पहले क्या है, ये डाउन है, तो ये डाउन किया, इस ग्राउंड व्यू के नीचे ये डाउन है, ये डाउन किया, फिर ये दो के ऊपर अप है, पिक के ऊपर अप भी है और वायर के ऊपर भी अप है, तो ये दोनों इस पिक और वायर के ऊपर ये अप हो गया। फिर ये डाउन है, तो इस पिक ग्राउंड के ग्राउंड एंड जो है इसके नीचे डाउन है, तो ये डाउन कर दिया। फिर ये दो के ऊपर अप है, तो ये दो के ऊपर वायर और पिक के ऊपर अप है, तो इसका क्रॉस सेक्शन बना दे। इस तरह से अपन यू शेप का इसमें अपन ये पाइल बना सकते हैं। इसके बाद आएगा वी शेप की पाइल बनाना, इसमें आप देख रहे हैं वी शेप में पाइल। वार्पिक अरेंजमेंट इसमें भी वही है, टू ग्राउंड वन पाइल, वेप्टिंग अरेंजमेंट टू पाइल वन वायर, ग्राउंड वी प्लेन है। तो मेरा रिपीट साइज हो गया 6x6, ई पी आर भी 6, पी पी आर भी 6, तो रिपीट साइज 6x6 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर 6x6 की मार्किंग करेंगे, मार्किंग कर दी। ग्राउंड एंड और पिक जो ये आ रहे हैं इसके अंदर अपन ने क्या किया, प्लेन व्यू डाल दी, ये भर दी, वन अप वन डाउन, प्लेन व्यू भर दी। वायर को अप किया पाई लैंड के ऊपर, वायर इज अप ऑन पाई लैंड, वायर सारे अप कर दिए जो कि ग्रीन पेन से इंडिकेट किए जा रहे हैं। अब इसका बनाना है क्रॉस सेक्शन व्यू, ये टू अप, ये ग्राउंड व्यू हो गई, ये इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया, अप डाउन, फिर लिया ये थर्ड पाइल एंड, क्या लिया, पाइल एंड लिया, टू डाउन है, ये टू डाउन कर दिया, वायर अप, वायर ऊपर अप कर दिया, फिर वापस उसी के नीचे आ रहा है और डाउन है टू, तो इसके ऊपर वायर ऊपर अप कर दिया और ये टू डाउन करके फिर वायर ऊपर अप कर दिया। इस तरह से अपन ये वी शेप की पाइल बना सकते हैं। अब आगे के जो मेथड है, दो मेथड, वो आपको आगे की क्लास में बताएंगे, जिसमें अल्टरनेट पाइल आएगा और एक डब्ल्यू शेप पाइल आएगा। थैंक यू।